तो आर एक्स जो बता रहा है वो बता रहा है कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन बता रहा है, वाई जो बता रहा है कंपोनेंट बता रहा है, वाई डायरेक्शन। ये थीटा क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस से एंगल बता रहा है। देखो इसको मैं जीरो कर देता हूँ तो देखो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट भी जीरो हो गया, मतलब मेरा पूरा का पूरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में इस समय? एक्स डायरेक्शन में। और देखो मॉड आर क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब लेंथ बता रहा है। इसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो सिर्फ उसमें एक्स डायरेक्शन में बता रहा है। अब मैं चलो कोई भी एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। पहले तो कंपोनेंट देख लेना, मैं इसे कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। इधर इसमें देखो, तो ये समझ में आ रहा है किस तरह से हमने कंपोनेंट निकालते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में ठीक है, वो लेंथ ही बता रहा है। तो यहाँ पे देखो अपन सिंपल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ठीक है। चलो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे देखो जैसे अपन ये एक्स कंपोनेंट खत्म कर दिया पूरा, और मेरा पूरा पूरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के देखो कोशिश कर रहा है, पर हो नहीं रहा है। ये कंपोनेंट वाला फंडा समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्या? जैसे मैं घुमाता हूँ उस तरह से एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट बढ़ा सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में बढ़ा सकता हूँ। ये क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है। थीटा भी समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पे वो थीटा 90 डिग्री हो गया एक्स डायरेक्शन से। देखो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो मेन चीज दिखानी है मुझे एडिशन दिखाना है, तो मैंने अपन ऐड करते हैं। यहाँ से मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया, मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है ना। तो ऐड ऐसे होगा क्या? पर हमें पता है हेड टू टेल ज्वाइन करने से काम हो सकता है। तो देखो हेड टू टेल ज्वाइन करा, फिट हो गया ना बिल्कुल एक तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, अभी बड़े वाले का हेड छोटे वाले के टेल के साथ मैंने जोड़ रखा है, इसका अदरवाइज करके देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं साइड में, मैं छोटा वाला ले लेता हूँ वेक्टर, और इसके हेड को ये जो बड़ा वेक्टर है हमारा उसके टेल से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखते हैं ये मैच करता है नहीं करता। तो पहली चीज तो भाई किसके हेड को किसके टेल से ज्वाइन करो, इस चीज से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारा यहाँ, ये लोग कैसा भी कर सकते हो। अब देखो यहीं पर मैं इसका मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज करता हूँ तो देखो साथ में ये भी चेंज हो रहा है। बस इसको तुमको सही ढंग से अरेंज करना है, वो दिखा देगा तुमको। तो यहाँ पे हम 3-4 वेक्टर भी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो हमने पॉलीगॉन वाला पढ़ा वो सही है या नहीं, या फिर वो गलत है, उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये अपन डिफरेंट लेंथ के ले लेते हैं, इसको कैसा भी बना देते हैं, ऑर्डर दे दो। और एक आधा वेक्टर मान लो इसको यहाँ पे आए। अब देखते हैं ना इन सबका एडिशन सही आता है नहीं आता। मान लो बस अपन को कुछ नहीं करना, अपन को देखने के लिए किसी के भी हेड को किसी के भी टेल से मिला दो, फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें ये काम ढंग से करना है ना, किसी के भी हेड को किसी के भी टेल से मिलाओ। हाँ पर मतलब सीरीज में चलना है, ये नहीं कि ये इधर ये हेड रखा और समझ गए ना, दो वेक्टर की टेल को एक वेक्टर के हेड से नहीं मिलाना। तो सीरीज चलनी चाहिए हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, जैसे ये कर दिया मैंने। आप देखते हैं ये वेक्टर फिट होगा या नहीं होगा। तो नहीं हो रहा है फिट, गलत करा है क्या हमने? नहीं, हमने अभी सही अरेंज नहीं करा है ना। देखो टेल इसकी खाली है और हेड इसका खाली है, तो इसको शिफ्ट करके देख लेते हैं। अपन ने अच्छे से अरेंज नहीं करा, हमारी गलती है, और अच्छे से कर देते हैं। हो गया ना? ठीक है। लेकिन अभी वेक्टर में तो इतना ही बताने के लिए, बाकी में तो मैं और दिखाऊंगा, पर उसके लिए अभी हमें थोड़ा आगे पढ़ने की जरूरत है।